गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ क्लास फोर्थ मैथ्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर फोर, टिक टिक टिक। बाय द नेम ऑफ द चैप्टर टिक 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 यू माइट हैव अंडरस्टैंड दैट वट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, वट आर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, दैट इज टिक टिक टिक। वेयर डू यू हियर द साउंड टिक टिक टिक? हम यह साउंड कहाँ सुनते हैं टिक टिक टिक? ज़्यादातर वॉचेस में। तो ये पूरा चैप्टर आपका टाइम से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। पंपोश एंड शाजिया वर डिस्कसिंग हुज होम इज फर्दर फ्रॉम स्कूल। पंपोश और शाजिया दोनों जन डिस्कस कर रहे थे कि किसका घर जो है वो ज़्यादा दूर है स्कूल से। नाउ पंपोश बोलता है आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। मुझे 5 मिनट चलना पड़ता है ताकि मैं स्कूल पहुंच सकूं। आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल। लेकिन मुझे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं अपने घर से स्कूल पहुंचने में। देन इम्पॉसिबल योर होम इज़ फर्दर फ्रॉम स्कूल। ये बोलता है कि तुम्हारा इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तुम्हारा स्कूल तो तुम्हारा घर तो स्कूल से बहुत दूर है। बट आई चेक्ड माई वॉच, लेकिन मैंने अपनी घड़ी को चेक किया हुआ है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल एट 7 o'clock। मैंने अपने घर से 7 o'clock पे स्कूल के लिए निकलना शुरू किया, चलना शुरू किया। व्हेन आई रीच्ड स्कूल द मिनट हैंड पॉइंटेड एट 2। जब मैं स्कूल पहुंची तो जो मिनट हैंड था वो 2 पे था। सो शुडंट इट बी 2 मिनट्स पास 7 और 7:02? तो बोलती है कि जब वो 2 पे था तो ऐसे ही हुआ ना कि 7:02 पे मैं पहुंच गई हूँ। नाउ यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। तुम गलत हो, तुम स्कूल 7:10 पे पहुंची। हाउ? वो पूछती है कैसे। तो बताता है कैन यू सी दीज थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स? नंबर्स के बीच में ये जो पतली पतली लाइन्स बनी है क्या तुम ये देख सकती हो? येस, सो वॉट? द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12, सो इट इज 7:10 और 7:10। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7। आई रीच्ड एट 7:05। सी द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 5 लाइन्स। तो यहाँ पे पूरे में वो ये बोलती है कि हाँ मुझे पता है इसमें छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, तो क्या हुआ? तो वो बोलता है उससे पंपोश दैट ये जो मिनट हैंड होता है ना, ये 10 लाइन्स क्रॉस किया है इसने, इसलिए जो टाइम है वो है 10 लाइन्स आफ्टर 12। मतलब 10 लाइन्स है 12 के बाद वो 10 लाइन्स और आगे हुआ, सो इट इज़ 7:10। इसका मतलब है 10 मिनट्स हो चुकी हैं 7:00, या फिर हम इसको 7:10 भी कह सकते हैं। फिर वो उसको समझाता है आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7। मैं भी 7:00 ही वो भी चलना शुरू किया था उसने। आई रीच एट 7:05। सी द मिनट हैंड्स मूव अक्रॉस 5 लाइन्स। तो वो बोलता है कि मैंने 7:07 पे चलना किया था शुरू और 7:05 पे मैं स्कूल पहुंच गया। इसका मतलब है द मिनट हैंड जो है वो देखो यहाँ पे, इसमें देखो पिक्चर में कि वो 5 लाइन्स ही आगे बढ़ा। अंडरस्टैंड? सो इस स्टोरी से हमें क्या देखना है? आई विल शो यू, वेट। नाउ अगर आप इस वॉच को देखेंगे यहाँ पे, इन दिस वॉच हर एक नंबर पे एक डार्क ब्लैक और थोड़ी सी बड़ी लाइन है, ओके? और इसके अलावा इन 2 बड़ी लाइन्स के बीच में और डार्क कलर ब्लैक लाइन्स के बीच में देयर आर स्मॉल 5 लाइन्स, ठीक है? हर एक नंबर के बीच में 5 लाइन्स होती है। ये हम काउंट करें, हम 2 और 3 के बीच में लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5th वाली, ठीक है? इन दोनों में से आप एक जो नेक्स्ट नंबर होता है उसकी लाइन को गिनते हैं तब वो 5 होती है। इसी तरीके से जब आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो भी 5 होगी। ये 1 वाली लाइन पे आपकी 5 हो जाएंगी,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, ऐसे जब आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाती हैं। यानी कि जो नंबर लिखा है उसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितने मिनट्स हो गए। जैसे 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, 5 फाइव ज़ा 25, 5 सिक्स ज़ा 30, 5 सेवन ज़ा 35, 5 एट ज़ा 40, 5 नाइन ज़ा 45, 5 टेन ज़ा 50, 5 इलेवन ज़ा 55 और 5 ट्वेल्व ज़ा 60। तो ये सारे मिनट्स हो गए बाहर जो लिखे हैं और ये सारे आवर्स हो गए जो कि छोटे हैंड से मेजर करते हैं। अगर अब मैं कहूँ आपसे कि 7:30 पे आपको सुबह सुबह स्कूल आना है तो कितना होगा 7:30? पहले तो छोटा वाला हैंड 7 पे ही रहेगा, लेकिन 30 मिनट्स कहाँ पे कंप्लीट होंगे? 6 पे। तो ये जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे ऐसे करके बन जाएगा, दैट मीन 7:30 होगा। इस तरीके से यहाँ पे ये नंबर्स होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम। नाउ हेयर व्हाट यू हैव टू डू, प्रैक्टिस टाइम पे आ गए हम। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस करके देखते हैं कि यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है और वो किस टाइम से मैच कर रहा है उस पे आपको सर्कल लगाना है, किसका टाइम सही है, चीकू बिट्टू या पिंकी का। सो यू डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट पेज इज शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। अब आपको क्लॉक में सेम टाइम शो करना है। ओके, कैसे शो करेंगे आप, लेट मी एक्सप्लेन। सो इसमें आपको क्या करना है कि हमें जिस तरीके से मैंने वहाँ पे आपको लास्ट प्रीवियस पेज पे समझाया था, सेम वही करना है। जो आगे नंबर लिखा है जैसे कि 6 है तो उस पर छोटा वाला हैंड बनाना है। 6 पे ये छोटा वाला हैंड बन गया और ये है 40। 40 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा हैंड बनाना है, ठीक है? बट इससे बड़ा नहीं होना, ये बहुत बड़ा हो गया, यहाँ तक तो पहुँच जाएगा बट जब ये ऊपर आएगा तो ये क्लॉक के बाहर चल जाएगा। तो मेंटेन करके आपको ये बनाना है। फिर इसमें भी, इसमें क्या लिखा है, 4:45। तो पहले तो हम छोटा वाला हैंड है 4 पे बना देंगे, जैसे 3 के बाद क्या आता है 4। तो ये छोटा वाला हैंड हमने 4 के लिए बना दिया। अब हमें मिनट हैंड बनाना है जो कि थोड़ा सा बड़ा बनेगा 45 पे। 5 की टेबल में 45 9 पे आता है, तो हम ये जो बड़ा वाला हैंड है ये 9 पे ऐसे बना देंगे। तो ये हमारा हो गया 4:45। तो बाकी के तीनों यू विल डू बाय योरसेल्फ। दिस इज़ ऑल्सो अ होमवर्क, दिस इज़ वेरी इजी, ट्राई करिए। नेक्स्ट, डू यू लाइक स्काई वॉचिंग, क्या आपको आसमान को देखना अच्छा लगता है? इफ़ येस देन दिस वन शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो अगर हाँ तो फिर ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ए, एट व्हाट टाइम डज द सन राइजेस एट योर प्लेस, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे सूरज कितने बजे उगता है? व्हाट इज़ द टाइम, 6:00। ओके, मॉर्निंग 6 में सन हमें दिखने लगता है। नाउ यू हैव टू मेक द टाइम। सो आई नो आप ये घड़ियों में टाइम तो सही सही बिल्कुल बना ही देंगे। नेक्स्ट इज़ व्हेन डज द सन सेट, सूरज डूबता कब है? शाम को 6:30। सो वी कैन राइट हेयर PM एंड AM। AM मतलब सुबह, रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक। PM मतलब दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। ओके, नेक्स्ट, डज द सन राइजेज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे, क्या डेली सूरज उगना और सूरज का डूबना दोनों सेम टाइम पे होता है? नो, दैट इज नॉट राइट। लुक एट न्यूज़पेपर एंड सी टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ्स। न्यूज़पेपर में देख के आपको ये बताना है कि अलग अलग मंथ्स में सनसेट और सनराइज का टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है। सो यू चेक दिस वन। ओके, नेक्स्ट हियर वी हैव लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस। इस फोटो को देखिए और आप ये बताइए कि ये क्या टाइम है, ठीक है? अब हमें इसमें टाइम देख के बताना है, इस पिक्चर से आपको क्या लग रहा है, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, किस टाइम का है? सो दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस फ्रांस। इन पेरिस
सन सेट्स आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर. गर्मियों में 9 बजे के बाद वहाँ पे सूरज ढलता है. द फोटो वॉज टेकन एट नाइट बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क हियर बाय 4 PM इन इवनिंग. लेकिन यहाँ पे जब ठंडे होती है तो 4 बजे ही इवनिंग हो जाती है. तो अभी किस टाइम पे लिया होगा? वी डोंट नो. ओके, बट आप गेस कर सकते हैं किस टाइम लिया होगा. नेक्स्ट भी है फाइंड आउट. अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम. मिनट हैंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना मिनट्स लगे होंगे. जैसे कि अभी ये कितने पे है? 7. और उसके बाद ये कितने पे पहुंच गए? 7. 7 to 10 ये पहुंच चुका है. तो हमें ये बताना है कि कितने मिनट लगभग हुए होंगे उसको यहाँ तक पहुंचने में. तो क्या टाइम हुआ होगा? लेट्स सी. द टाइम इज 7 से 8 तक 5 मिनट्स, फिर 8 से 9 तक 5 मिनट्स, और 9 से 10 तक 5 मिनट्स. 10 5 + 5 + 5 = 15 मिनट्स. इसी तरीके से हम बी वाला करते हैं. अभी 8 पे है, अभी 12 पे हो गया. तो 8 to 12 1 2 3 4 4 टाइम्स हम पहुँच गए, यानी कि 4 × 5 कितने हो गए? 20. सो 20 मिनट्स. अभी ये कहाँ है? 1 पे. और अभी कहाँ है? 3 पे. तो 1 के बाद 1 को नहीं गिनेंगे, 2 3 यानी कि 1 5 मिनट्स और 5 मिनट्स 10 मिनट्स. 1 2 टू स्टेप्स में पहुँच गया, यानी कि 2 × 5 10 मिनट्स. नेक्स्ट इज द मिनट हैंड इज ऑन 2 एंड इट केम ऑन 9. सो 2 के बाद कितने बार आगे बढ़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 times आगे बढ़ा है. दैट मीन 7 × 5 = 7 × 5 कितने हो गए? 35. सो द आंसर इज 35 मिनट्स. अंडरस्टैंड? नाउ ऑन नेक्स्ट पेज वी विल डू ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी. ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी अकॉर्डिंग टू ये जो टाइम दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि क्लॉक का ये जो मिनट हैंड है या सेकेंड हैंड है ये कहाँ जाएगा. फॉर नोइंग दिस यू शुड नो के टाइम को लिखा कैसे जाता है. अब व्हेन टाइम मूव्स, ओके, जैसे कि हमें बोलना है 7 बज के इतने मिनट हो रहे हैं, तो हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? पास्ट या फिर आफ्टर. अंडरस्टैंड? हम क्या यूज़ करेंगे? या तो पास्ट करेंगे या आफ्टर करेंगे. जैसे कि मुझे बोलना है कि 7 बज के 40 मिनट्स हो रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? 7 past 20 या 40 या 50. ओके, जब तक ये 45 तक नहीं पहुँचता 9 तक, तब तक हम आफ्टर या पास्ट लगा के इसको लिख सकते हैं. जैसे कि ये लिखा है 10 minutes after 7, यानी कि 7 बज के 10 मिनट्स हो चुके हैं. ठीक है, बट जब आप 9 से जो मिनट हैंड है वो 9, 10, 11 पे आएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 करके लिखेंगे. यानी कि हम ये बताएंगे, जैसे कि 15 मिनट बचे हैं 8 बजने में. ओके, मान लीजिए कि 7:45 टाइम हो रहा है, 7 बज के 45 मिनट्स हो रहे हैं. इस तरीके से तो सबको टाइम लिखना आता ही है, बट एक तरीके से और लिख सकते हैं. इस तरीके से पास्ट ईयर 2 लगा. अब जैसे कि 7:45 है, यानी कि आप बोलोगे 7 बज के 45 मिनट हो रहे हैं, तो ये 45 मिनट बहुत लंबा हो जाता है ना. अब अगर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 8 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, 8 बजने में 15 मिनट है ना, ये भी बोल सकते हैं इन हिंदी. बट अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हाउ विल वी से 15 minutes to 8, 15 मिनट हैं 8 बजने में, है ना. सो हम इन सारे टाइम्स को ऐसे भी लिख सकते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग ऑन टू अवर क्वेश्चन, ये हम सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट इज 20 minutes after 6 o'clock. 6 o'clock के बाद, आफ्टर लिखा है ना, तो बाद 20 मिनट्स. तो क्या है? 20 मिनट्स होते हैं 4 पे और 6 o'clock पे छोटा वाला पार्ट. नेक्स्ट इज 10 minutes after 7 o'clock.
सात बजने के बाद 10 मिनट, तो 10 मिनट 2 पे हो जाते हैं, 5 2 से 10 होता है जल्दी। सो 10 पे 2 पे बड़ा काटा बना दिया और हमने छोटा वाला हैंड जो है मैंने अवर हैंड वो हमने 7 पे बना दिया। इसके बाद है 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock बज के 30 मिनट्स। सो व्हाट वी हैड डन, 8 o'clock बजा दिए आवर हैंड, 8 o'clock और 9 o'clock के बीच में आ गया क्योंकि 30 मिनट्स हो रहे हैं ना तो वो बीच में आ जाएगा। और फिर 30 किस पे आएगा, 6 पे, 6 5 तो 30 होता है, तो 30 हमने 6 पे कर दिया। 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, तो 5 o'clock आफ्टर 15 मिनट्स, तो ये जो है आपको ये 15 5 के थोड़ा सा आगे बनाना है जहाँ पे 5 ख़त्म हो रहा है क्योंकि 15 मिनट्स हो चुके हैं, है ना। सो 15 मिनट्स कहाँ पे होंगे, 3 5 15, तो 3 पे हमने 15 मिनट्स बना दिए। आगे बढ़ते हैं, हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक, स्कूल की असेंबली में कितना टाइम लगता है अपन को। वी टेक 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, तो मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स लिख दिया बट जनरली 20 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है, तो आप यहाँ पे 20 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज़ योर लंच। अब हमारा जो लंच होता है वो कितना होता है बताइए, कितने मिनट्स का होता है, 20 मिनट्स का। ओके, हाउ लॉन्ग इज़ योर गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड कितने मिनट्स का होता है, 35 मिनट्स का होता है। रिसेंटली अपना जो हो रहा था गेम्स पीरियड या कोई सा भी, वो 35 मिनट्स का था। इज़ इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड्स, क्या ये सारे पीरियड्स के बराबर ही होता है। येस, हमारे लिए सारे पीरियड्स बराबर ही लगते हैं। द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम्स वेरी शॉर्ट, aren't they? Yes, हमें गेम्स और लंच हमेशा कम ही लगता है क्योंकि हम उस टाइम इतना इन्जॉय करते हैं कि हमें टाइम का पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट, हाउ मैनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज टेक, ये जो यहाँ पे काम हो रहा है इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा आप बताइए। सो नाउ हेयर बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क बॉइल करने में हाउ मच टाइम यू कैन टेक, वी कैन टेक 4 to 6 मिनट्स इफ़ वी स्टैंड देयर विथ द फुल फ्लेम, अगर हम वहीं खड़े होकर फुल फ्लेम पे करेंगे तो 4 to 6 मिनट्स में वो हो जाएगा। फिलिंग अ बकेट, बकेट को फुल टैप ऑन करके आप भरेंगे तो कितनी देर में हो जाएगा, इन 3 to 5 मिनट्स। फिर स्वीपिंग योर रूम, आपके रूम में झाड़ू लगाना, हाउ मच टाइम इट विल टेक, 6 to 10 मिनट्स। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द थिंग्स इन द रूम, क्योंकि अगर रूम में ज़्यादा चीज़ें हैं लाइक बेड है, कवर्ड है, टेबल है, चेयर है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड इफ इट इज़ ओपन रूम देन यू कैन डू इट विद इन 4 मिनट्स ऑल्सो। ना नेक्स्ट, यू हैव अ एक्टिविटी, आपके पास एक एक्टिविटी है जो कि आपको करनी है। द एक्टिविटी इज़ लाइक, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं दैट यू कैन डू एंड हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डू इट इन अ मिनट, एक मिनट में आप उस चीज़ को कितने बार कर सकते हैं आपको वो लिखना है। जैसे कि स्नैप योर फिंगर, ठीक है, हाउ मेनी टाइम यू कैन स्नैप योर फिंगर्स लाइक, तो 10 टाइम्स। ओके, आफ्टर दैट स्किप अ रोप, स्किप रोप स्किपिंग, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डू इन अ मिनट, 30 टाइम्स एवरेज। एवरेज मतलब लगभग सभी लोगों को मिला के, कुछ लोग तो जल्दी भी कर लेते हैं बट एक नॉर्मल स्पीड पे अगर आप करते हैं तो कितनी बार करेंगे, 30 टाइम्स। जंप अप एंड डाउन, ऊपर नीचे उछलना, ओके, कितनी बार कर सकते हो आप, 40 टाइम्स कोई भी कर सकता है। आप यहाँ पे एक हमें अपनी मर्जी से लिखना था, सो आई हैड रिटन आई ब्लिंक, यानी कि आपकी जो आँखें हैं पलके झुकाना। हाउ मच यू कैन टेक द टाइम, 50 टाइम्स यू कैन डू इफ यू विल डू फास्ट। ओके, अगर आप आँखें झुकाएंगे और जल्दी 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 करेंगे तो आप मोर देन 60 भी कर सकते हैं बट कैजुअल टाइम इज 50। राइट मोर सच फन एक्टिविटीज़ इन दिस कॉलम, आपको ऐसी और एक्टिविटीज़ भी आप ढूंढ के अपने लिए एक पेपर में लिख सकते हैं। नो नीड टू मेक अ कॉपी फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लिए आपको कॉपी में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी इट फ्रॉम योर बुक ओनली। नाउ हियर इज़ अनदर चैलेंज फॉर यू,
अब एक और चैलेंज क्या है आपके लिए, हाउ कैन यू, ठीक है, स्पीक नॉन स्टॉप, हाउ लॉन्ग कैन यू, कितने देर तक आप ये काम कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, नॉन स्टॉप बोलना, कितने देर तक आप बिना रुके बोल सकते हैं, 3 मिनट्स, स्टैंड ऑन वन लाइन, एक पैर पे खड़े होना कितनी देर कर सकते हो, 3 मिनट्स ऑब्वियसली, सिंग विदाउट अ ब्रेक, बिना रुके बोलना कितनी देर कर सकते हो, 1 मिनट, ओके, हाउ लॉन्ग डू यू टेक, ये काम करने के लिए हमें कितने देर लगेगी, रन अ 50 मीटर रेस, 50 मीटर रेस करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट्स, कलेक्ट 50 पैबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से 50 पैबल्स यानी कि 50 पत्थर जो छोटे छोटे होते हैं वो उठाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट्स, ओके, काउंट 1 to 100, तो 1 to 100 आप कितने देर में काउंट कर सकते हैं, 1.5 मिनट, नाउ ट्राई इट विद योर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप अपने दोस्तों के साथ करके देखिए और फिर एक सही मिनट्स बताइए, ये तो मैंने मेरे हिसाब से लिखा है अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई थिंक यू कैन टेक द टाइम, बट नाउ यू हैव टू फाइंड इट अकॉर्डिंग टू योर टाइम, ट्राई इट एंड देन राइट द करेक्ट टाइमिंग्स, ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज वी कैन सी हियर, लेट्स लुक एट क्लॉक अगेन, अब घड़ी में दोबारा देख लें, सॉल्व दिस, टेक मिनट हैंड, स्टार्ट फ्रॉम 2, अब हमें क्या करना है कि घड़ी में दोबारा देख के ये बताना है कि जो मिनट हैंड है वो किस कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, चलना 2 से, ओके, एंड व्हाट इज रिटन, हाउ मेनी टाइम्स विल इट टेक, हाउ मेनी टाइम मिनट्स इट विल टेक टू कम बैक टू 2 अगेन, और वो कितनी देर में वापस 2 पे आ जाएगा हमें ये पता करना है, सो व्हेन इट विल, व्हेन वी विल गेट टू नो दिस, व्हेन वी विल सॉल्व इट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये घूम के आने में दोबारा कितना टाइम लेगा, सो लेट्स चेक, हम देखते हैं कि कैसे करना है, सो आई हैव अ क्लॉक, मेरे पास एक क्लॉक है जो मैंने बनाया हुआ था बिफोर ओनली, तो अगर कोई हैंड कहाँ पे है, 2 पे, ये अगर कोई हैंड यहाँ पे है 2 पे और इसको पूरा यहाँ से ऐसे टर्न हो के वापस यहीं आना है तो ये कितना टाइम लेगा, 60 मिनट्स, कितना टाइम लेगा, 60 मिनट्स, कैसे, 2 को नहीं काउंट करेंगे बट बाकी नंबर्स को काउंट करेंगे 2 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और वापस 12, ठीक है, हमने पहले 2 को नहीं गिना था क्योंकि हम इस 2 को लास्ट में गिनते हैं, जब भी हमें मिनट्स काउंट करने होते हैं जो पहला नंबर होता है ना उसको हम नहीं गिनते हैं, उसको छोड़ देते हैं, सो 2 से वापस आने में 12, तो 12 × 5, मैंने आपको क्या बताया था, दो नंबर्स के बीच में हमेशा 5 का डिस्टेंस होता है जो, तो हम नंबर्स को काउंट करके और डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 × 5 = 60 होते हैं, इसका एक सिंपल सा ट्रिक ये भी है कि कोई भी नंबर है अगर 2 से चल के वापस 2 पे आएगा, 3 से चल के वापस 3 पे आएगा, 4 से चल के वापस 4 पे आएगा तो हमेशा 60 मिनट्स ही होंगे क्योंकि वो पूरा एक राउंड लगा के आ रहा है, ओके, रिमेंबर दिस, सो वी हैड रिटर्न 60 मिनट्स, नाउ What happens to the our hand? Does it also move? How long will it take to move from one number to the next number? अब यहाँ पे उन्होंने एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, that our, what happened to the our hand? Our hand को हुआ क्या? Does it also move? क्या वो भी हिलता है? How long will it take to move from one number to the next number? फिर एक नंबर से नेक्स्ट नंबर तक मूव करने में उसको कितना टाइम लगता है? तो जो आर हैंड होता है वो छोटा होता है फर्स्ट थिंग, तो उसको इस नंबर से 7 पे है ये, तो उसे 8 पे आने में कितना टाइम लगेगा, दे आर आस्किंग दैट, क्योंकि उसको डिस्टेंस ये बहुत कम कंप्लीट करनी पड़ती है और इस एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने के लिए उसको पूरे 60 मिनट्स चाहिए होते हैं, जब मिनट हैंड जो कि ये है ये पूरा रोटेट करके 12 से वापस 12 पे आता है तब एक नंबर से दूसरे नंबर पे ये आर हैंड पहुंचता है,
लेकिन 1 आवर कितना ज़्यादा टाइम होता है। तो जब वो यहाँ से चलना शुरू करता है धीरे धीरे, ये तो जल्दी चलेगा क्योंकि उसको बहुत सारी जगह कंप्लीट करनी है, लेकिन इसको सिर्फ इतना ही आना होता है 1 पूरे मिनट हैंड के राउंड में। तो ये बहुत धीरे मूव करता है, इसलिए कभी हमें ये नहीं लगता कि ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट इट ऑल्सो मूव, लेकिन ये भी मूव करता है। जब आपका 10 मिनट हो जाता है तब ये एक लाइन जो है ये कंप्लीट करता है। ओके, नेक्स्ट, लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज दैट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। अब हमें अपने आसपास देखना है और ये बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से काम हैं जो कि 1 आवर से ज़्यादा लेते हैं। 1 आवर इज लाइक 60 मिनट्स, सो कुकिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू कुक समथिंग दैन इट विल टेक एटलीस्ट 1 आवर। गेटिंग रेडी फॉर स्कूल विथ एवरीथिंग, सब कुछ कंप्लीट करके उठना, ब्रश करना, ब्रेकफास्ट करना, ड्रेस करना, ये पूरा टाइम 1 घंटा लगभग ले ही लेता है। डूइंग होमवर्क, इट टेक्स टाइम। वॉचिंग कार्टून देखते हो तो भी एटलीस्ट 1 आवर ले लेते हो। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलने में भी एटलीस्ट आपको 1 घंटा तो लग ही जाता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम, मोर देन एन आवर और लेस देन एन आवर? मोर देन एन आवर, डिनर बनाने में भी 1 घंटे से ज़्यादा ही लगता है। सो टिकेट एंड वॉज द नेक्स्ट वन। नाउ एज योर फादर, इफ ही कम ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर, आस्क योर फादर। आपको अपने पापा से पूछना है कि क्या आपके पापा आपकी मम्मी की तरह जल्दी खाना बना सकते हैं, येस और नो? तो आपके पापा बोलेंगे, बहुत सारे बच्चों के पापा बोल देंगे येस, क्योंकि उनको खाना बनाना आता होगा, बट मैनी ऑफ द फादर्स डोंट नो हाउ टू कुक। ज़्यादातर पापाओं को खाना बनाना नहीं आता है, और बहुत से पापा ऐसे भी होते हैं जो बना लेते हैं, बट फिर भी मम्मा के जितना काम करना इट इज़ टफ, बिकॉज मदर्स हैव प्रैक्टिस ऑफ डूइंग इट डेली, और डेली बनाते हैं तो उनकी हर चीज़ बहुत जल्दी होता है। ओके, सो नो, विच गेम टेक्स लेस देन एन आवर टू फिनिश? 1 आवर से भी कम टाइम में कौन सा गेम फिनिश हो जाता है? लूडो, स्नैक लेट, एंड हियर आई हैड टू राइट चेस। ओके, नाउ हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक्स? फुटबॉल मैच कितनी देर में ख़त्म हो जाता है? एक फुटबॉल मैच 90 मिनट्स लेता है। 90 मिनट्स मीन्स 90 में से 60 मिनट्स माइनस करेंगे हम, क्यों? क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, तो ये क्या हो गया? 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। एंड जब 90 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर, अच्छा, ओके, सो 1.5 आवर में एक मैच खत्म हो जाता है। अंडरस्टैंड? फुटबॉल मैच। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज, दैट इज रानीज डायरी। नाउ हियर इज अ गर्ल रानी, कम लेट्स गो टू सी माई बेबी सिस्टर। अब रानी जो होती है उसकी एक छोटी सी बेबी सिस्टर होती है, तो वो ये बोलती है कि चलो आप लोग, अपने फ्रेंड्स को बोलती है चलो मेरी छोटी सी बेबी सिस्टर को देखना आप लोग। सो माँ आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया, तो वो अपनी मम्मा को बोलती है मम्मा मैं अपनी छोटी बहन मुनिया, जो कि उसकी बेबी बहन का नाम मुनिया होता है, उसके लिए स्वीट्स लेके आई हूँ। स्वीट्स मीन्स कैंडीज, टॉफीज। सो पर उसकी मम्मा बोलती हैं बट शी कांट ईट, शी इज़ टू स्मॉल, लेकिन वो खा नहीं सकती, शी वो बहुत अभी छोटी है। एंड शी डजंट इवन टॉक, और अभी तो वो बात भी नहीं करती है। सो नाउ व्हाट हैपेंस, शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप। उसकी मम्मा बोलती है कि वो ये सब काम करना शुरू कर देगी जैसे ही वो धीरे धीरे करके बड़ी होगी। सो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दीज आर द मंथ्स। ओके, एक वन ईयर में दीज ऑल आर द 12 मंथ्स दैट आर।
Now I will note down in my diary when she first starts talking, eating and walking. Here are some pages from Rani's diary. अब जो ये थी रानी, उसने अपनी बहन के बारे में सब कुछ लिखा कि कब उसने पहली बार खाना शुरू किया, कब उसने पहली बार चलना शुरू किया, कब उसने फर्स्ट टाइम उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो आए, पहला कब आया. सो उसने हर चीज़ नोट करी. ठीक है. नाउ 5 मार्च 2005 उसका बर्थडे था, वो बॉर्न हुआ. 15 सितंबर 2005 मुनिया गॉट इज फर्स्ट टूथ, मुनिया के पहला दांत आया था. 10 नवंबर 2005 मुनिया सेट अप. 10 नवंबर 2005 में मुनिया ने पहली बार बैठना सीख गई थी, वो पहली बार बैठी थी. 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग. मुनिया ने 20 नवंबर 2005 में पैरों पे, घुटनों पे चलना सीखा था. 5 जनवरी 2006 मुनिया स्टूड अप. 5 जनवरी 2006 में मुनिया पहली बार खड़ी हुई थी. 5 सितंबर 2006 मुनिया एट अ बनाना. 5 सितंबर 2006 में मुनिया ने पहली बार एक बनाना खाया था. 2 फरवरी 2006 मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग. 2 फरवरी 2006 में मुनिया जो थी उसने पहली बार चलना शुरू किया था. अब हमें क्या करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं, मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियास टाइम. ठीक है. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो लाइन बनी हुई है इस पे, इसके हिसाब से हमें ये बताना है कि उसने क्या चीज़ कब करना शुरू किया था. ठीक है. नाउ यू काउंट इट. मार्च 2005 यहाँ पे 05 लिख के मैं आपको समझाती हूँ. मार्च 2005 में उसने अपना बॉर्न हुआ था, उसका जन्म हुआ. और 2 फरवरी 2006 में, यानी कि फरवरी 2006 में उसने क्या किया, मुनिया ने वॉकिंग स्टार्ट की. दैट मीन्स ये जो पूरी लाइन है इसको हमें 12 मंथ्स में डिवाइड करना पड़ेगा. कैसे, मार्च में वो बॉर्न हुई है 5 से, तो मार्च को भी हम काउंट करेंगे. मार्च से फिर अप्रैल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए. लेकिन 9 मंथ्स कौन से हुए हैं, 2005 के. ठीक है, 2005 के 9 मंथ्स हो गए ना. अब हमें फरवरी तक काउंट करना है, तो अब हमें 2006 के जनवरी और फरवरी भी काउंट करना है. तो 2006 का जनवरी और फरवरी, यानी कि 2 मंथ्स मोर, तो 11 मंथ्स का पूरा टाइम टेबल है, तो हमें से 11 लाइंस में डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. फिर जब आप इसको 11 में डिवाइड कर दोगे, 11 लाइंस में, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने डेट लिखी है, ठीक है, फिर हमने उसके आगे की चीज़ें की हैं. सबसे पहले तो हमने बनाया स्टार्ट. ओके, 5 3 2005. मैं ये क्लियर करके आपको दोबारा बना के बताती हूँ. ये मैंने इरेज कर दिया. ओके. नाउ अभी ये जो आप इस पे देखिए, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, आई हैड मेड वेरी स्मॉल लाइंस ओवर हियर, दैट इज आई हैड डिवाइडेड इट इनटू इक्वल 11 पार्ट्स, क्योंकि हमने जब ऊपर काउंट किया था तो 5 मार्च से लेके 2 फरवरी तक 11 मंथ्स हो रहे हैं, तो हमें इसको नंबर 9 को भी 11 मंथ्स तक करना पड़ेगा. अब जब हमने इसको डिवाइड कर दिया है, तो हम इसको जब लिखना स्टार्ट करेंगे, ये देखो यहाँ पे मार्च तो लिखा ही है, मार्च के बाद आता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर ये जनवरी और ये फेब. ओके. अब ये दोनों तो हो गए 2006, और ये सारे क्या हो गए 2005. ओके. जो कि हमें इसमें बताया है, यही बताया है 2005. ठीक है ना. अब हम इसमें आराम से सब कुछ
मेजर कर सकते हैं, जैसे कि ये मार्च में है तो मार्च के लिए वॉज बॉर्न लिखा हुआ है, अभी सेप्टेम्बर है, 15 सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर कहाँ है, यहाँ शुरू हो रहा है, यानी कि ये फर्स्ट तारीख है, 1, 2, 3, 4 ऐसे 30 तारीख होनी चाहिए, और 15 सेप्टेम्बर यानी कि ये बीच में आएगा, क्योंकि 15 क्या होता है, मंथ का बीच का टाइम होता है ना, 30 डेज होते हैं वन मंथ में, तो उसका हाफ क्या होगा, 15। तो ये पॉइंट है जहाँ पे गॉट हर फर्स्ट टूथ, गॉट फर्स्ट टूथ, पहला दांत आया था उसका। उसके बाद क्या है, नवंबर 10 मतलब नवंबर के बाद 10th, यानी कि हाफ से थोड़ी देर, थोड़ा सा पहले, क्योंकि हाफ मतलब 15, उससे थोड़ा पहले करेंगे तो क्या आएगा, नवंबर 15, सेट अप यानी कि बैठी थी वो पहली बार। ओके, नेक्स्ट इज नवंबर 20, इसी के थोड़ी देर बाद, अब हम इसको ऊपर जगह नहीं है तो नीचे लिखेंगे, दैट इज स्टार्ट क्रॉलिंग, तो स्टार्ट क्रॉलिंग। इसके बाद क्या आया, जनवरी, 5 जनवरी, मुनिया स्टूड अप, तो 5 जनवरी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही होगा, तो ये हो गया, हम ऊपर लिखेंगे स्टूड अप यानी कि पहली बार खड़ी हुई थी, फिर 5 सितंबर 2006, ये बहुत पीछे आएगा तो हम इसको आउट ऑफ द लाइन करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ये वाले को छोड़ देते हैं, 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी ये है और 2006 यहीं पे आएगा बिल्कुल लाइन के पास, तो जब हम इसमें ये लाइन बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है। और रही बात 5 सितंबर 2006, तो 5 सितंबर 2006 बहुत पीछे है, तो आप यहाँ पे जो आपका एंड पेज है, इस लाइन को खींच के एंड पेज तक ले जाके लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको के 8 1 9 9। ओके, सॉरी फॉर द राइटिंग, बट इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा। ओके, नाउ हेयर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, ये आप इधर से देख के कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं, आप इसको मार्च टू सेप्टेम्बर कितने मंथ्स होते हैं आप वो काउंट कीजिए, यहाँ तक 11 हो रहे थे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मंथ्स होते हैं, तो आप इसको 18 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, जो लाइन है उसके हिसाब से बना लीजिए, आप कैसे भी कर सकते हैं। नाउ मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सेप्टेम्बर, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी देन, हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सेप्टेम्बर। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो मुनिया है उसका पहला टूथ कौन से मंथ में आया था, सेप्टेम्बर में आया था फ्रॉम मार्च, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी देन, वो उस टाइम कितने मंथ्स की थी जब उसका बर्थ हुआ था मार्च में, तो मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, सो हाउ मेनी मंथ्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो शी वॉज दैट टाइम एट 6 मंथ्स, और वैसे भी मार्च से सेप्टेम्बर 6 मंथ्स होते हैं तो वो 6 मंथ्स की हो गई थी। हाउ ओल्ड वॉज मुनिया वैन शी फर्स्ट सेटअप, जब वो पहली बार बैठी थी तो वो कितने मंथ्स की थी, काउंट करते हैं, कहाँ है सेटअप, ये था सेटअप, दैट इज़ नवंबर, सो हम काउंट करते हैं, हम मार्च को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तब तो हुई है ना, तो उसको टाइम तो लगने तो बड़े होते, तो हम फर्स्ट मंथ ये मार्च नहीं काउंट करेंगे, अप्रैल से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंथ्स, तो उस टाइम तक कितने मंथ्स की हो गई होगी, 8 मंथ्स की हो चुकी होगी। शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, उसका पहला टूथ कब आया था, 6 मंथ्स, ओके, 6 मंथ्स एंड 11 डेज, हमने डेज यहाँ पे लिख दिया है, बट आप 6 मंथ्स अप्रॉक्सिमेट मंथ्स भी लिख सकते हैं, नो नीड टू राइट दिस। व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, सबसे पहले उसने क्या किया था, वॉकिंग या ईटिंग बनाना, सबसे पहले उसने वॉकिंग किया था, नेक्स्ट क्रॉलिंग या स्टैंडिंग, पहले क्या किया था उसने, घुटने पे चलना सीखा था या डायरेक्ट खड़ा होना सीखा था, पहले क्रॉलिंग, तो हमने क्रॉलिंग पे भी
ओके। नाउ नेक्स्ट, हियर नेक्स्ट वन वी हैव ऑन दिस पेज रानी एंड अ पेट पपी। आफ्टर टू वीक्स इट ओपन इट्स आईज, शी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस। अब इस पेज में क्या दिया हुआ है आपको, एक छोटे से पपी की स्टोरी बताई है कि जैसे अभी बेबी वाला सीखा था ना हमने, वैसे ही एक पपी का है कि छोटा सा पपी है, फिर वो कैसे बड़ा हो रहा है, फिर क्या हुआ, पूरी डिटेल बताई हुई है। और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसके कि दोनों में अंतर क्या है, एक बेबी के बढ़ने में और पपी के बढ़ने में क्या डिफरेंस है, वो आपसे पूछा है। तो ये आपको खुद से करना है, दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू, ट्राई इट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट पेजेस आई विल टेल यू लेटर, हम बचा हुआ चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, फर्स्ट यू स्टडी दिस मच। थैंक यू।